आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जिसको फॉलो करके आप 5 से लेकर 7 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है, और जो ये नुस्खा मैं आपको बताऊंगी, ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी की भी कब्ज को केवल 5 से 7 मिनट के अंदर दूर रखने की क्षमता रखता है। बहुत इफ़ेक्टिव है ये और बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाता है ये फ्रेंड्स। और मैं आपको बताती हूँ कि ये खाने में कैसी होती है। खाने में इसका टेस्ट थोड़ा मीठा होता है और ये पेट के लिए ठंडी होती है, और पेट को साफ़ करने का ये बहुत ही अचूक रामबाण नुस्खा है। गाइस, अब मैं देरी नहीं करूँगी बताने के लिए कि ये चीज़ आखिर है क्या। गाइस, ये चीज़ है, ये आप देख रहे हैं, अमल तास बोलते हैं गाइस इसको, हिंदी में अमल तास बोलते हैं, और इसे गिर्द नली के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको मैं दिखा रही हूँ ताकि अगर आपको इसके नाम से ना पता चले तो आप इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंग्लिश में इसे पुडिंग पाइप ट्री कहते हैं। गाइस, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने इसको ये देखिए, मैंने यहाँ, ये इससे भी लंबी होती है, आप देख सकते हो, ये देखो इस तरह से मैंने इसके 2 पीस किए हैं। गाइस, ये इतनी लंबी होती है, ये मैंने यहाँ से इसको तोड़ा है, इस तरह से होती है ये, मैंने इसे पहले ही तोड़ लिया है। और अब हम इसे रेडी करेंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले आप देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसको तोड़ के, ये चीज़ होती है जो सी, ये जो बाहरी परत है इसे अलग कर देंगे, और इसके अंदर का जो पोर्शन हमने लेना है, ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स, इसके अंदर सीड्स भी हैं, आप देख सकते हैं, मैंने इसलिए ही आपको ये तोड़ के रखी हुई है ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। आपने ये पोर्शन लेना है फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसमें ले लेती हूँ, और आप ध्यान रखोगे कि इसके अंदर जो सीड्स हैं, इस तरह से तोड़ देते हैं, इन सीड्स को आपने नहीं लेना, ये निकाल देने, आप देख रहे हो ना, इस तरह के सीड्स होते हैं, इनको निकाल देने आपने, इस तरह से आपने ये जो ब्लैक पोर्शन है इसका, वो इस तरह से आपने निकाल लेना है। बहुत चिपचिपा होता है फ्रेंड्स, ये चिपचिपा होता है, ये आपके हाथों के साथ चिपक जाता है, सो इसे बड़े ध्यान से इस तरह से उतारें। मैं इसको पहले भी निकाल के रख सकती थी, लेकिन ये मैं आपको दिखाना चाहती थी फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पूरा पता चलना चाहिए कि आपने इसमें से आखिर पोर्शन लेना कौन सा है। सीड्स आपने इसमें से नहीं लेने हैं, ये ब्लैक पोर्शन जो चिपचिपा होता है, आप देख सकते हैं ये वाला, ये जो ऊपरी परत होती है ये वाली, ये लेनी है आपने। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने इतना ले लिया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये कितना मैंने लिया है फ्रेंड्स। ये देखो, ये जो मैंने इतना पीस लिया था यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, ये मैंने इसके सारा जो ब्लैक पोर्शन है वो खाली कर लिया है। ये देखिए, जितना आसानी से निकल जाता है वो आप निकाल लीजिए, नहीं तो आप, ये बहुत इजीली आपको मिल जाएगी, आप जितनी मर्जी इसमें से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। और आप अगर छोटे बच्चे को दे रहे हो तो आप इतना, जितना मैंने निकाला है ये 1 स्पून के करीब है, तो आप इतना ले लीजिए, और अगर कोई बड़ा है या बूढ़ा है तो आप इसकी क्वांटिटी को इससे डबल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे खाली कर लिया है, सीड्स अलग कर दिए हैं, और ये जो बीच का जो पोर्शन है ये मैंने इसमें ले लिया है। गाइस, अब मैं इसमें ऐड करूंगी वाटर। अब वाटर ऐड करने के बाद जो मेन काम है हमारा, आप फ्रेंड्स इसमें गुनगुना पानी भी ले सकती हैं, मैंने सिंपल वाटर लिया है, आप गुनगुना भी ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसे थोड़ी देर तक मिक्स करना है ताकि इसका सारा जूस जो है वो इस पानी में मिक्स हो जाए। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि पानी का जो कलर है वो चेंज हो गया है, और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ शुगर। फ्रेंड्स, ये देखो,
थोड़ी सी शुगर, ये टोटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को ये पीने में ठीक नहीं लगता, इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता अगर, तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर दीजिए। और अगर वो बिना चीनी के इसे पी सकता है तो वो भी बढ़िया है। बाकी आप इस तरह से आप उसको शुगर ऐड करके भी दे सकते हैं। ये देखिए, इनको अच्छे से मिक्स करके फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो अमलतास होती है, गिर नली जो होती है, इसके पेड़ पर पीले रंग के गुच्छेदार फूल होते हैं, आप उससे इसकी पहचान कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको इसकी स्टिक दिखाई है, आप देख सकते हैं, ये जो दूसरी स्टिक है ये मैंने इसमें से ले ली, और ये जो हाफ है, इस तरह की स्टिक्स लगी होती हैं स्टार्टिंग में, जो जैसे कि जो मार्च का महीना होता है ना, उसमें ये खिलना स्टार्ट हो जाती हैं, और उस टाइम इनका कलर भी ग्रीन होता है, और जब ये पक जाती हैं, सूख जाती है ना जब, तब ये इस तरह की दिखने लगती है, तब आपने इसको लेना है। आपने ग्रीन वाली नहीं लेनी है, इस तरह से सूखी हुई लेनी है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इसकी पहचान ज़रूर रखना गाइस, ग्रीन वाली बिल्कुल मत लेना, उसका कोई भी आपको इफ़ेक्ट नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट हो सकता है लेकिन इफ़ेक्ट गुड हो वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये देखिए, अब ये मिक्स हो गया गाइस, अब मैं इसे फिल्टर कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको फिल्टर कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपका ये रेडी हो गया है, ये देखिए, ये बिल्कुल आपका जूस जो है रेडी हो गया, आपकी मेडिसिन रेडी हो गई है गाइस। इसे आपने डेली आपने लेना है, आप अपने बच्चे को दीजिए दिन में एक बार, और 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर उसकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ जो है ना वो दूर हो जाएगी। और आप इसे तब तक देते रहें फ्रेंड्स जब तक कि उसकी कब्ज़ की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। फ्रेंड्स इसको आपने दिन में एक बार ही यूज़ करना है, नेक्स्ट डे आप दोबारा दे सकते हैं, और उतने दिन तक देते रहें जब तक कि आपको ये ना लगे कि उसकी कब्ज़ दूर हो गई है। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मैंने पहले भी बताया कि इतनी क्वांटिटी आपने बच्चे को देनी है, अगर आप बड़े हैं बूढ़े हैं तो इसकी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है टोटली, आप ऐड करें या ना करें आपकी मर्जी है। और आपने इसको लेते हुए ध्यान रखना है कि थोड़ी देर का गैप जरूर रखें खाने का, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। मैं आपको बता देती हूँ, हमारे घर में एक बेबी है गाइस, मैंने उसको ये दी है तो उसकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। रेगुलर मैंने उसे 7 डेज तक दिया है फ्रेंड्स, उसकी कब्ज़ बहुत पुरानी थी, जब से वो हुआ था आई थिंक तब से ही उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने ये सर्च किया तो ये उसे दिया, तो फ्रेंड्स आप यकीन मानोगे वो बहुत सारी मेडिसिंस ले चुका था कॉन्स्टिपेशन के लिए, लेकिन उसकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। इसको उसने 7 दिन तक पिया है डेली, 1 टाइम ओनली, अब उसकी कब्ज़ बिल्कुल ठीक है, अब उसे किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि क्वांटिटी आपने इतनी ही लेनी है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में दे दोगे, मान लो एक बार आपने दी और आपके बच्चे की जो कॉन्स्टिपेशन है यानी कि उसका पेट जो है वो अभी साफ नहीं हुआ, तो आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी गाइस, ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी के चक्कर में इसकी क्वांटिटी उसे डबल दे दें ताकि भी उसका पेट साफ हो जाए, उसकी वजह से उसके पेट में दर्द भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स क्वांटिटी इतनी ही रखें और दिन में एक बार दें, ये बहुत जल्दी आपको असर दिखाएगी, पुरानी से पुरानी कब्ज को तोड़ने का रामबाण घरेलू नुस्खा है, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइज आपको अगर मेरी वीडियो, मेरी ये होम रेमेडी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें, पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कीजिए, आपके किए हुए कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।